दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में आपके अपने चैनल मॉमीज प्राइड पर। मेरा नाम है राधिका एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं ऐसे 5 साइंस जो कि अगर आपका बच्चा दे रहा है 6 महीने से पहले, तो इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि आपका बच्चा जो है वो अब सॉलिड स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। वो कौन कौन से साइंस हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंच जाए। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है गाइस, देन डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। इंस्टाग्राम पे हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रील्स और पर्सनल फोटोग्राफ शेयर करते रहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि बच्चे को 6 महीने से पहले कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे की बॉडी को जितने भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारे ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मुला मिल्क से बच्चे को मिल जाते हैं। कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, इवन पानी भी बच्चे को नहीं देना चाहिए। बट कुछ केसेस में कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि वो 5 मंथ के बाद ही सॉलिड स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाते हैं। बच्चे ऐसे कुछ साइंस देते हैं जो हमें एज अ पेरेंट समझने की ज़रूरत है। अगर आपके बच्चे ये साइंस दे रहे हैं तो आप अपने बच्चे को ईजिली सॉलिड स्टार्ट कर सकते हो। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा बेटा 5.5 मंथ्स पर सॉलिड स्टार्ट करने के लिए रेडी हो गया था, और हमने 5.5 महीने पर ही उसके जो सॉलिड जो फूड उसे देना स्टार्ट कर दिया था। सॉलिड फूड इन द सेंस, हमेशा हम प्यूरी से स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल पर मौजूद फूड चार्ट्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वो फूड चार्ट जाकर देखिए। 6 मंथ्स प्लस के बेबी से स्टार्टिंग है फूड चार्ट की, तो आपको एक जनरल आइडिया मिल जाएगा कि इनिशियली आपको बच्चे को किस प्रकार का खाना खिलाना है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट कर लेते हैं वो साइंस कौन कौन से हैं। तो उसमें सबसे पहला यानी कि नंबर 1 जो साइन है वो ये है कि अब आपके बच्चे का जो वेट है, जो वज़न है, वो उसके बर्थ से डबल हो चुका है। यानी अगर फॉर एग्जांपल बच्चा 3 kgs का बॉर्न हुआ था, पैदा हुआ था, तो अब बच्चा 6 kgs का हो चुका है। तो इसका मतलब ये सही समय है कि बच्चे को आप सॉलिड स्टार्ट कर दो। सबसे ज़्यादा कॉमनली नोन सॉलिड स्टार्ट करने के लिए यही साइन माना जाता है। या फिर इन जनरल आप ये भी ले सकते, क्योंकि अगर बच्चे का वेट जो है वो 5 kgs एंड अबव हो गया है तो भी आपका बच्चा जो है वो सॉलिड स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरा जो साइन है गाइस वो है हेड बैलेंस करना। अगर आपका बच्चा जो है वो अपना गर्दन जो है, उसकी नेक है, वो बैलेंस करने लगा है, वो अपना हेड अब खुद से मैनेज कर सकता है, उसको किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। बिना सपोर्ट के बच्चा ऐसे ऐसे अपनी जो नेक है वो बेंड करना सीख गया है, तो यानी कि अब बच्चा सॉलिड स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। या फिर इसको और सिंपल भाषा में समझें तो बच्चे का जो सिर है वो अब पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है, बच्चे को उतने अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर बच्चे के हेड को अब सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप अपने बच्चे को जो है वो सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हैं। तीसरा जो साइन है गाइज वो है कि अब आपका बच्चा जो है वो सपोर्ट के साथ बैठना सीख गया है। आप हल्का सा सपोर्ट बच्चे को अगर दो पिलो का, या अगर प्रॉपर आप फीडिंग चेयर पर बच्चे को बिठा रहे हो तो बच्चा उस पर आराम से ऐसी तरह से टिक के बैठ पा रहा है, तो आपका बच्चा सॉलिड स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं गाइज आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आपका बच्चा बैठना सीख जाए तभी आप अपने बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाओ, और बच्चे को जब भी आप खाने को कुछ भी दो आप बच्चे को सिटिंग पोजीशन में ही खिलाओ। कई पेरेंट्स ये गलती करते हैं शुरुआत में, उनको पता नहीं होता कि वो बच्चा अगर लाइंग पोजीशन में लेटा हुआ है बच्चा, और उसी पोजीशन में बच्चे को फीड करा देते हैं, कुछ खिला देते हैं, प्यूरी या कुछ भी, तो वो बहुत गलत चीज़ है गाइस। बच्चे के गले में वो चीज़ फंस सकती है, चोक्ड नेक की प्रॉब्लम बच्चे को हो सकती है, और बच्चे इतने ज़्यादा छोटे होते हैं उस वक्त, हम नहीं चाहते हम अननेसेसरी बच्चे को खुद की गलती से किसी प्रॉब्लम में डालें। तो आपको ये सजेस्ट मैं एक पर्सनल नोट पर करूँगी कि बच्चे को आप हमेशा सिटिंग पोजिशन में ही सॉलिड खिलाओ। फोर्थ जो साइन है गाइस जो बच्चे आपको देंगे वो है वो अपना इंटरेस्ट शो करेंगे फूड के प्रति। अब ये आपको कैसे समझना है, फॉर एग्जांपल आप जब बच्चे के सामने खाना खा रहे हो तो बच्चा इंटरेस्ट दिखाएगा फूड के प्रति, आप जो भी खाना खा रहे हो बच्चा उसको लेना चाहेगा अपने हाथों से, या आप बच्चे को कुछ भी अपने हैंड से दोगे, कोई भी फिंगर फूड, बच्चा उसको सीधे मुंह में ले जाएगा।
ये बिल्कुल सही समय है गाइस बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवाने का, क्योंकि बच्चा जो है अब फूड के प्रति इंटरेस्ट शो कर रहा है, उसको खुद से एक्साइटमेंट आ रहा है नई नई चीज़ें ट्राई करने का। इससे बेटर ऑप्शन और कोई नहीं हो सकता। अगर आपका बच्चा ये साइन दे रहा है तो आप अपने बच्चे को इमिडिएटली सॉलिड फूड स्टार्ट करवा सकते हो। सॉलिड्स में आप इनिशियल प्यूरी से स्टार्टिंग कर सकते हो, बट कई बच्चे जो होते हैं वो फिंगर फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। दैट इज़ ओके, हर बच्चा अपने आप में डिफरेंट है। अगर आपका बच्चा फिंगर फूड खाना ज़्यादा पसंद कर रहा है तो आप बच्चे को फिंगर फूड खिलाओ, बट उस केस में बच्चे को आप अपने सुपरविजन में ही रखो। ऐसा नहीं कि बच्चे को कोई भी फिंगर फूड दे दिया और बच्चा अकेला उसके साथ खेल रहा है या खा रहा है, वो बच्चे के लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि बच्चे के लिए ये एकदम नया एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जब भी बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाओ, हमेशा अपने सुपरविजन में ही बच्चे को खाना खिलाओ, फिंगर फूड दो, तो भी बच्चे को खुद के सामने बैठा के उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करो और उसको खाने के लिए इंस्पायर करो। और दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो फिफ्थ साइन है वो है बच्चे की भूख बढ़ जाना। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज। अगर बच्चे की भूख बढ़ गई, आप ये खुद से देख पाओगे, आपको खुद महसूस होगा कि बच्चा अगर जो उसकी स्पेसिफिक मिल्क क्वांटिटी है वो उससे ज़्यादा फीड ले रहा है, या फिर बच्चे को आप जो फीड देते हो उसमें बच्चे का पेट नहीं भरता, बच्चा और ज़्यादा फीड डिमांड कर रहा है, बच्चे की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो ये बिल्कुल सही समय है बच्चे को सॉलिड इंट्रोड्यूस करवा देने का। क्योंकि कहीं ना कहीं एक एज तक, जैसा मैंने आपको बताया साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है कि 6 मंथ्स तक ही बच्चे को जो है बच्चे की बॉडी की न्यूट्रिएंट्स ब्रेस्ट फीड या फॉर्मुला फीड से पूरी होती हैं। उसके बाद क्योंकि बच्चे की एक्टिविटी भी बढ़ जाती है तो बच्चे को एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स देने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए आप इस तरह का अगर कोई साइन बच्चा दे रहा है तो आप अपना बच्चे को सॉलिड देना स्टार्ट कर दो। तो गाइज ये थे कुछ साइंस। अगर आपका बच्चा इनमें से कोई भी साइन दे रहा है तो आपको बच्चे को सॉलिड स्टार्ट अप करवा देना चाहिए, क्योंकि 6 महीने के बाद की एक गाइडलाइन इसलिए भी बनी हुई है क्योंकि कई बच्चे जो ऐसे होते हैं वो इनिशियल 6 महीने से पहले अगर आप सॉलिड स्टार्ट करवाते हो तो बच्चों में कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी, रिएक्शन जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। देखो अगर आप बहुत अर्ली स्टेज पर सॉलिड स्टार्ट करवा दोगे बच्चे को तो बच्चे को कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। सबसे नंबर वन तो ये है, क्योंकि ये WHO की गाइडलाइन है कि बच्चे को 6 मंथ्स के बाद ही एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि 6 मंथ्स बाद ही बच्चे को कुछ आप खाने के लिए स्टार्ट करवाओ। कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी हैं, जैसे कि बच्चा 6 महीने से छोटा है, उसने अभी तक सिर्फ मिल्क की कंसिस्टेंसी में ही स्वाद जो है वो चखा है, तो वो बच्चा जब आप उसको सॉलिड स्टार्ट करोगे तो वो सॉलो ही नहीं कर पाएगा चीज़ों को। तो इसीलिए एक तो ये कारण हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर आप अर्ली स्टेज पे ज़्यादा बच्चों को सॉलिड स्टार्ट करवा दो, जैसे 4-4.5 मंथ का है बच्चा तभी सॉलिड स्टार्ट करवा दो, तो वो कहीं ना कहीं बच्चों को इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, किसी तरह की एलर्जी वगैरह होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं, इसीलिए ऐसा माना जाता है। बट हाँ, अगर आपका बच्चा 5 मंथ्स का होने वाला है या 5+ हो चुका है, तब अगर आपका बच्चा ये साइंस दे रहा है तो आप इजीली बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवा सकते हो। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो देन गिव इट अ थम्स अप, और साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप सभी के लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाते रहें। साथ ही अगर अभी तक आपने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है देन डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, तो इंस्टाग्राम पर जाकर भी आप हमें फॉलो ज़रूर कीजिए। तो चलिए गाइज मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग मॉमी स्प्राइट।